हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो आज अपना डेली DILR सीरीज जो चल रहा है उसका सेट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी अच्छा सेट है, ठीक है, DI के ऊपर बेस्ड है। तो जिस जिन लोगों को DI के ऊपर बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लोग कंसिडर कर सकते हैं सेट को। ओके, अच्छे लेवल का सेट है, इजिली नहीं होता है। एग्जाम कंडीशंस में तो मतलब कोई छूने की भी कोशिश नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस फोर कंट्रीज ए बी सी एंड डी। ओके, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है, जिनकी एज 18 साल से बड़ी है। ओके, जिनकी एज 18 ईयर से बड़ी है। ओके, इन दीज कंट्रीज अक्रॉस थ्री पैरामीटर्स, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द पैरामीटर्स द एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ईच कंट्री इज डिवाइडेड इन टू एग्जैक्टली टू कैटेगरीज एज गिवन इन द रिस्पेक्टिव बार चार्ट्स बिलो। ओके, द थ्री चार्ट्स प्लॉट द नंबर ऑफ द एडल्ट्स इन ईच कंट्री बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द टू कैटेगरीज अंडर ईच पैरामीटर। हाउ एवर द रिस्पेक्टिव स्केल्स अलॉन्ग द वाई एक्सेस हैव इंटेंशनली नॉट बीन मैंशनड इन एनी ऑफ द चार्ट्स। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने, है ना, इसको जानबूझ के मेंशन नहीं किया है। क्या होगी, एक्स एक्स तुम्हारी ये ग्राफ होता है, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो उन्होंने एक्स एक्सिस पे तो ए बी सी डी मेंशन कर दिया है, बट वाई एक्सिस पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो आप कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते हो यहाँ बेसिकली। ओके, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कंसीडरिंग द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी द नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द लिटरेट्स। ओके, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द अडल्ट लिटरेट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज इज 600 मिलियन, वॉट इज द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री सी। ओके, विच कंट्री कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल्स हु आर लिटरेट एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड। अच्छा जी, इफ द अनएम्प्लॉयड अडल्ट पॉपुलेशन इन ईच कंट्री कंप्राइजेज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल्स हु आर एम्प्लॉयड। ठीक है, सीबीडी मेरे को दिख गया है, तो मतलब केसेस बनने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे अपन। ठीक है, चलो अब जंप करते हैं कि कैसे। पहला क्वेश्चन है, मेरे पास और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। लिटरेसी का ये दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट का ये दे रखा है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे दे रखा है। तो क्वेश्चन की तरफ ही सीधा जंप करते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी, ठीक है, कंट्री बी की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज अप्रोक्सीमेटली, एम्प्लॉयमेंट वाले पीपल, ओके, एम्प्लॉयमेंट वाले पीपल बी में डिवाइडेड बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द लिटरेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ लिटरेट्स कहाँ के, बी के। ठीक है, चलो समझते हैं कि कैसे हो सकता है। गाइस, अगर मैं इसको एक्स देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2x देता हूँ, इसको मैं 3x देता हूँ, इसको मैं 4x देता हूँ, इसको मैं 5x देता हूँ, इसको मैं 6x देता हूँ, ठीक है, इसको मैं वाई देता हूँ, इसको 2y देता हूँ, इसको 3y देता हूँ, ठीक है, इसको z देता हूँ, इसको 2z देता हूँ, इसको 3z देता हूँ, इसको 4z देता हूँ, इसको 5z देता हूँ, इसको 6z देता हूँ, ठीक है। एक बात बताना आप मेरे को, अगर लिटरेसी है मेरा एक पैरामीटर, तो लिटरेसी में दो ही तरीके हैं, लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है। मेरी पूरी पॉपुलेशन का जो सम हो रहा है वो हो रहा है लिटरेट प्लस इलिटरेट के हिसाब से, करेक्ट। यहाँ भी मेरी पूरी पॉपुलेशन का जो सम हो रहा है वो हो रहा है मेल प्लस फीमेल के हिसाब से। तो क्या मेरी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी क्या, यहाँ पे जो मेरी पॉपुलेशन होगी ए पार्ट के अंदर, बता देता हूँ एक बार के लिए, ये जो पॉपुलेशन होगी, ये और ये और ये तीनों इक्वली होंगे ना। पॉपुलेशन थोड़ी मेरी चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। लिटरेसी में ऐसा है, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है, बट मेरी पॉपुलेशन, अगर मेरे ए ए कंट्री के अंदर 100 लोग हैं, तो 100 में से हो सकता है 50 लोग ऐसे हों जो लिटरेट हो, 50 लोग इलिटरेट हो। यहाँ पे 75-25 हो सकता है, यहाँ पे 50-50 हो सकता है, बट रहेंगे तो लोग 100 ही ना एट द एंड। वो मेरा मेन पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अपन को अब कंट्री बी के बारे में बात करनी है, ठीक है, कंट्री बी के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे 3x आ रहा है और 5x आ रहा है। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं एक बार। एम्प्लॉयमेंट वाले लोग पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट बी में कितना है, ठीक है, 2y प्लस 2y पीपल ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड है, और 2y पीपल ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2y प्लस 2y इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिटरेट्स। लिटरेट्स कहाँ पे है,
ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिटरेसी है, लिटरेट ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है, तो 3x और 5x, तो ये 3x प्लस 5x। आप लोगों को समझा कि 4y इज इक्वल्स टू 8x कैसे लिखा मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर ये समझ गया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, अगर ये नहीं समझा तो एक बार वापस से समझ लो। दोनों की पॉपुलेशन दोनों सिनारियों में सेम ही रहेगी ना, ये वाला केस अपन ने लिया एम्प्लॉयड का, ये वाला केस अपन ने लिया लिटरेट का, 100 ही लोग रहेंगे ना दोनों के अंदर, तो एट द एंड ठीक है उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल्स टू 8x आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2x आ गई। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है? एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, द नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कितने लोग हैं बी में वाई की टर्म्स में? वाई की टर्म्स में बी में 2y लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है 2y लोग एम्प्लॉयड है। नंबर ऑफ लिटरेट्स कितने हैं बी में? बी में लिटरेट कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ लिटरेट्स इन बी इज 3x, ओके 3x, 2y अपॉन 3x इनटू 100, ओके y बाय x की मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2 यहाँ से, ठीक है 2 by 3 इंटू 2 इंटू 100, तो 400 by 3 यहाँ पे कर देते हैं, 400 by 3 इज इक्वल्स टू 133.33%। सी ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ गया होगा, ओके एंड इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरीके से ही अप्रोच करना, इसमें और कुछ मत लगाना अपना दिमाग, ठीक है उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। एंड कई बार लोग सीबीडी मार्क कर देंगे, बोलेंगे वाई एक्सिस तो दे ही नहीं रखी है हमें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी? बट आप ये देखो कि मैंने भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक टर्म्स असाइन किए, ठीक है चलो आगे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ द एडल्ट लिटरेट्स, ठीक है एडल्ट लिटरेट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज इज 600 मिलियन, ठीक है बेसिकली क्या बोल रहा है? ये वाले लिटरेट लोग हैं, ठीक है एक सेकेंड इसको दूसरे पेन से आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार, ठीक है ये वाले लिटरेट लोग हैं, ये वाले लिटरेट लोग हैं, ये वाले लिटरेट लोग हैं और ये वाले लिटरेट लोग हैं, ठीक है ये बोल रहा है कि अगर ये चारों का सम यानी कि 2x + 3x + 4x + 3x, ठीक है 2x + 3x + 4x + 3x इज इक्वल्स टू 600 मिलियन, ठीक है 2x + 3x + 4x + 3x, दिस विल गिव मी 5, दिस विल गिव मी 7, 5 एंड 7 विल गिव मी 12, x विल कम आउट टू बी 50, x 50। देन व्हाट इज द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन मिलियन ऑफ कंट्री सी? कंट्री सी की मेरे से मिलियन में पॉपुलेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एडल्ट पॉपुलेशन, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है टोटल एडल्ट पॉपुलेशन कैसे निकल जाएगी गाइस? ये एडल्ट पॉपुलेशन क्या थी? ग्रेटर देन 18 इयर्स और उन्हीं का डेटा उन लोगों ने शेयर कर रखा है, तो ये प्लस ये कर दूंगा, अगर ये दोनों को ऐड कर दूंगा 4x + 6x को ऐड कर दूंगा तो टोटल पॉपुलेशन सी की आ जाएगी, अग्री करते हो? 4x + 6x यानी कि 10x, ठीक है 10x, 10x की वैल्यू मेरे पास 50 है, आंसर मेरा 500 हो जाएगा, 500 मिलियन, ठीक है ये चीज का याद रखना। विच कंट्री कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स हु आर लिटरेट एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को एक बार के लिए, ओके ओके एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इजीली समझ पाओगे फिर। मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली कि इतनी ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी, एक सेकेंड ना, ऐसी कौन सी कंट्री है विच कैन हैव मैक्सिमम नंबर, ओके ऐसी कौन सी कंट्री है विच कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, ओके एडल्ट फीमेल्स हु आर लिटरेट, जो लिटरेट भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, ठीक है हर कंट्री का चेक करते हैं, एक का मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है बाकी का इजिली फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी सी एंड डी, ए में मेरे पास अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये मेरा 2x + 2x है, करेक्ट ये लिटरेट लोग 2x हैं, इलिटरेट 2x है, और यहाँ पे भी मेरा मेल 2z है और 2z है, तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आती है 2x + 2x इज इक्वल्स टू 2z + 2z, तो इसका मतलब हो गया x और z, मतलब ये वाली जो स्केल है, ये वाली जो स्केल है ये तो इक्वल है, ठीक है ये स्केल पूरी इक्वल ही चल रही है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन है वो यहाँ पे भी पॉपुलेशन होगी, करेक्ट तो अगर इसको देखे तो ये एकदम सेंटर में लाए कर रहा है, ओके 1.5y, और ये भी एकदम सेंटर में लाए कर रहा है 2y,
ठीक है, तो 4x लिख सकता हूँ, 4x, 4x, 2x प्लस 2x, राइट, 2x, 2x, 4x इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे तो x और y में रिलेशन, यहाँ पे y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपन ने निकाला हुआ है, तो y इज इक्वल्स टू 2x कर सकते हो आप, राइट, कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके ऊपर आते हैं अपन, विच कंट्री कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, ओके, एडल्ट फीमेल्स कितनी हो सकती है, पहली चीज तो उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, सबको एक्स की टर्म्स में लिखते हैं, सबको किसकी टर्म में लिखते हैं, एक्स की टर्म्स में, हमारे पास तीन स्केल है एक्स वाई जेड, जिसमें हमें पता है एक्स और जेड तो इक्वल है और एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय टू है, आई थिंक ऊपर से चेक कर लेते हैं एक बार, एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय टू है, करेक्ट। तो मेरे पास अगर अगर 4x की पॉपुलेशन है, ठीक है, मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स ढूंढनी है, टोटल मेरे पास 4z पॉपुलेशन थी इसकी, तो उसमें से 2z, 2z जो थी वो मेरी फीमेल्स होगी, 2x मेरी फीमेल्स होगी, ठीक है, 2x मेरी फीमेल्स होगी, x में मेरे पास आ जाएगा लिटरेट, ठीक है, 4x मेरे पास टोटल पॉपुलेशन थी लिटरेट्स की ए और बी, ए के अंदर, ओके, जो कि 2x प्लस 2x का कॉम्बिनेशन थी, तो उसके अंदर से भी मेरा कितना आ जाएगा मैक्सिमम, हु आर लिटरेट, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स हु आर लिटरेट, ये मेरे पास लिटरेट की थी, जिसमें से ये लिटरेट थे और ये इलिटरेट थे, तो ये भी 2x आ गया, ठीक है, तो ये लिटरेट आ गए, ओके। और एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का क्या सीन था, एम्प्लॉयड में चेक कर लेते हैं एक बार ग्राफ, एम्प्लॉयड के अंदर अपना है 1.5 ना, 1.5 एम्प्लॉयड लोग हैं, 1.5 y, ओके, 1.5 क्या है, 1.5 y, सो 1.5 y को मैं कन्वर्ट करूं अगर x की टर्म्स में, तो मेरे पास ये रही इक्वेशन, करेक्ट, 1.5 y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, इन तीनों का कॉमन पार्ट जो आएगा, इन तीनों का 2x 3x और 2x 2x और 3x का कॉमन पार्ट हमेशा 2x ही आएगा, 3x तो आ नहीं सकता, करेक्ट, तो a के अंदर ऐसे 2x लोग हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली b पे चलते हैं, b के अंदर कितने लोग हैं, b में देखो 3x लोग तो यहाँ पे है, ठीक है, 3x लोग लिटरेट है, b में 3x लोग तो लिटरेट है, फीमेल कितनी है यहाँ पे, b में 2x लोग लिटरेट है, फीमेल है हमारे पास 3x, यहाँ पे वापस से 3z 3x एक ही बात है, ये मेरी फीमेल है, ठीक है। एम्प्लॉयड का भी चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉयड के अंदर 2y दे रखा है, ठीक है, 2y दे रखा है ना, तो y इज इक्वल्स टू 2x, तो 4x, तो इसका कॉमन आ जाएगा 3x, ठीक है, 3x 3x और 4x के अंदर अगर आप कॉमन निकालने जाओगे तो ऑटोमेटिकली 3x ही कॉमन पार्ट आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स जो तीनों हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर हो, अगर मैं 4x कर दूंगा ना यहाँ पे सेलेक्ट, तो 3x का पार्ट नहीं हो पाएगा ना वो, तो इसीलिए सी के अंदर भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, तो मेरे पास अभी तक तो दो के आंसर आ गए, इसका आंसर आ रहा है एक्स की टर्म्स में मेरे पास 2x, इसका आंसर आ रहा है 3x, तो अभी तक तो बी इज विनिंग, ओके। सी चेक करते हैं, सी के अंदर बोल रहा है 4x, 4x 3y और फीमेल ना 4z, लिटरेट 4x, 4x और 3y, 3y, यस, सो 4x, 4x और 6x, ये मेरा लिटरेट, ये मेरा फीमेल और ये मेरा थर्ड एम्प्लॉयमेंट, तो मेरा कॉमन पोर्शन आ गया 4x, तो यहाँ पे कौन जीता, 4x, सी इज विनिंग, ओके। डी पोर्शन में चेक करते हैं, 3x, 3x के बाद आ गया यहाँ पे तुम्हारा y, y है 2x के इक्वल, 3x, 2x और फीमेल 5x, 3x, 2x, 5x, 3x, 2x और 5x, ठीक है, कॉमन पोर्शन आएगा 2x, जो कि इसका 2x हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर किसके पास जाएगा, 4x वाले के पास, सी के पास जाएगा। आई होप ये समझ में आया हो कंसेप्ट, ये बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है वैसे, और इस तरीके का क्वेश्चन काफी लोग एग्जाम में इग्नोर करते हैं, बट आप लोग समझो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है।
लास्ट क्वेश्चन, इफ द अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयड मतलब ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन इन ईच कंट्री कंप्राइजेस एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स हु आर एम्प्लॉयड। बेसिकली वापस से चारों का ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर भी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, गिव मी अ सेकंड गाइस। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ एन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, एडल्ट मेल्स निकालने जो कि एम्प्लॉयड हो, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड हो। अगर अनएम्प्लॉयड एडल्ट पॉपुलेशन सबके निकाल लेते हैं पहले एक एक्स की टर्म्स में, ठीक है, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है वाई का आधा मतलब 0.5 वाई, 0.5 वाई मतलब मेरे को कितना हो गया, ये 0.5 वाई के हिसाब से अनएम्प्लॉयड ना, दिस विल गिव मी एक्स, राइट, ये मेरा 0.5 के हिसाब से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने रिलेशन निकाला हुआ है वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू 2x, करेक्ट, तो 0.5 वाई है मेरे पास, ओके, ये एक्स हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये अनएम्प्लॉयड है ना, ये भी 4x हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, ये x, ये 4x, ये 4x, ये 6x, ठीक है। क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने अनएम्प्लॉयड लोगों का रेशियो लिख दिया, ठीक है। इफ द अनएम्प्लॉयड एडल्ट पॉपुलेशन कंप्राइजेस एन इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड मेल्स एंड फीमेल्स, अच्छा मेल एंड फीमेल, तो एक्स बाय 2 मेल होंगे, एक्स बाय 2 फीमेल होगी, 2x मेल होंगे, 2x फीमेल होगी, 2x मेल होंगे, 2x फीमेल होगी, 3x मेल होंगे, 3x फीमेल होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स हु आर एम्प्लॉयड, ठीक है, वापस से क्वेश्चन अपने को उसी पार्ट पे लेकर जा रहा है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स हैं, ठीक है, एडल्ट मेल्स कितने हो गए इसमें से, अभी देखते हैं एक बार के लिए, हु आर एम्प्लॉयड बेसिकली, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड में अगर एक्स बाय टू है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में अगर एक्स बाय टू है तो एक कंट्री के अंदर टोटल मेल्स कितने हैं वो निकालते हैं पहले, तो ठीक है टोटल मेल्स कितने आ रहे हैं इनके, ये मेल 2x, 5x, 6x और 4x, 3x, 2563, ओके, ठीक है, 2x, 5x, 6x, 3x, ठीक है। अब यहां पे मेरे को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स, ठीक है, एडल्ट मेल्स, एडल्ट ऑब्वियसली हो जाएगा, मेल्स हो जाएगा, हु आर एम्प्लॉयड, तो अगर मैं इसमें से ये पोर्शन माइनस कर दूंगा, टोटल मेल्स में से मैं अनएम्प्लॉयड का पोर्शन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे, मेरे पास ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे, मेरे पास नंबर ऑफ मेल्स वो आ जाएंगे जो कि बेसिकली एम्प्लॉयड है, राइट, तो 2x माइनस एक्स बाय 2 करूंगा तो आ जाएगा 3x बाय 2, ओके, 5x माइनस 2x करूंगा आ जाएगा 3x, 6x माइनस 3x करूंगा तो 6x माइनस 2x करूंगा तो आ जाएगा 4x, और 3x माइनस 3x कर दूंगा तो आ जाएगा 0, तो 4x आंसर होगा इसका, तो आंसर विल बी सी पार्ट। गाइस ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छे लेवल का सेट है, तो आई विल रेट इट एज डिफिकल्ट, ओके, पहला सेट अपन ने अभी तक किया है ऐसा जो डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, एंड आप लोगों को अप्रोच समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से चीजों को अप्रोच किया जाता है, ओके, सो विल मीट टुमारो विद अनदर सेट, टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन यू नो प्रोवाइड गुड कंटेंट टू ऑल ऑफ यू, ओके, साइनिंग ऑफ।